इनके अंदर एबिलिटी है, हम चाहेंगे कि हमारे युवा भाइयों को आपका मार्गदर्शन मिले। इसी श्रद्धा के साथ हम आपको इस शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस संडे क्लास में आमंत्रित करते हैं। इस खूबसूरत प्रसाल में उपस्थित माता भगवती, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के वरिष्ठ साधक श्री सुरेश सर और उपस्थित जेपीएससी के प्रत्याशी रुपेश जी और आप सभी शिक्षार्थीगण, विद्यार्थीगण, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग योग और ध्यान विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह विषय बहुत ही विशाल है, जिस पर एक दिन में चर्चा करना संभव नहीं होता है, और इसीलिए सर के द्वारा प्रत्येक रविवार को एक घंटा का ये समय जो है रखा गया है। मैं सुरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिल करके। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से विद्युत चुंबकीय तरंग, वो चाहे एक्सरे हो, गामा रे हो, माइक्रोवेव हो, विजिबल लाइट हो, उसमें से सबका तरंग दैर्ध्य 10^-3 मीटर से 10^-12 मीटर तक, या 10^-12 मीटर से 10^-3 मीटर तक होता है। लेकिन हम केवल 4×10^-7 मीटर से लेके 8×10^-7 मीटर तक केवल देख सकते हैं, जो कि वायलेट कलर से लेकर रेड कलर तक होता है। हमारी जो ध्वनि होती है वो सुनने की क्षमता हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही है। 20 हर्ट्ज से कम का भी साउंड होता है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का भी साउंड होता है, लेकिन हम लोग उसको सुन नहीं सकते। तो हमारे जो है सुनने की क्षमता लिमिट है, देखने की क्षमता लिमिट है, और यदि हम साधारण जीवन में जीते हैं तो माइंड का भी जो अपना एक सीमा है, हमारे प्राण की भी सीमा है, हमारे शरीर की भी सीमा है, केवल आत्मा की सीमा नहीं है, आत्मा असीमित। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य का जो रचयिता, जो भगवान है, जो डिवाइन है, वो जितना सामर्थ्यवान है उतना सामर्थ्यवान हम हो सकते हैं। प्रसिद्ध ऋषि महर्षि श्री अरविंदो घोष कहते हैं, क्या आपने श्री अरविंदो घोष का नाम सुना है? श्री अरविंदो घोष कहते हैं अपने सावित्री बुक में, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। इसका मतलब हुआ कि यदि हम फिनाइट हैं, सीमित हैं, तो हम इनफिनाइट की तरफ, जो भगवान जो अनंत है, शाश्वत है, अचीव कर सकते हैं, हम उस ओर जा सकते हैं। ठीक है, ये कथन है पंडित श्री राम शर्माचार्य का, अरविंदो घोष का और कई मनीषियों का ये कथन है कि हम सीमित से असीमित की तरफ जा सकते हैं, उनके साथ तादाद भी कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी क्या है, आखिर हम जो है जो सीमित बुद्धि है, सीमित मन है, सीमित प्राण है, उसको कैसे असीमित में बदला जा सकता है? तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, और यही एकमात्र उपाय ही है कि हम अपनी चेतना को बदलते हैं, हम निम्नतर चेतना से उच्चतर चेतना की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, भगवान से अभिप्सा करते हैं कि हमारी चेतना जागृत हो। चेतना क्या है? तो चेतना क्या है, आध्यात्मिक विकास का एक पैरामीटर, समझ रहे? आध्यात्मिक विकास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चेतना क्या होगा, हमारी विशाल होगी, उतना ज्यादा चेतना विस्तृत होगी और हम लोग जो है भगवान की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, अब चेतना कैसे विस्तृत हो, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, चेतना कैसे विस्तृत हो, तो चेतना विस्तृत कैसे हो, यदि हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग योग करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सर बता रहे थे कि डेली कम से कम 20 मिनट जो है ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारी जो चेतना है
वो विस्तृत होती है, हमें भगवान का टच प्राप्त होता है। अब बोलेंगे भगवान का टच प्राप्त होने से फायदा क्या है। भगवान का टच यदि हमें प्राप्त होता है तो हमारा जो इंटरनल लाइफ, जो आंतरिक जीवन और जो बाह्य जीवन है, वो दोनों जो सो समानुपातिक रूप से सफल होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाह्य जीवन का मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें हम लोग सक्सेस करते हैं। हमारा जो मन है वो क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेट, ठीक है, मतलब मन जो सो एकाग्र होता है। और मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है। कैसे संभव है, जब भगवान का टच प्राप्त हो, जब हमारी चेतना विस्तृत हो। और चेतना कैसे विस्तृत होगी, जब हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। हमारी जो है मन जो है एकाग्र होना जरूरी क्यों है, ठीक है। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाम सुने होंगे देखिए इस यंत्र को, ठीक है, इस यंत्र को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, इससे क्या चीज में यूज किया जाता है, इसको इसको छोटे छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। छोटा छोटा अक्षर है उसको बड़ा, जनरली प्रैक्टिकल वगैरह में जो हम लोग इसका यूज करते हैं, घड़ी के दुकान वगैरह में इसका यूज होता है। इसका दूसरा यूज कुछ है क्या, इसका दूसरा उपयोग है, हाँ, सूर्य का लाइट को ये क्या करता है, यदि यहाँ पर कागज का टुकड़ा रख दिया जाए इसके फोकस पर, अगर सूर्य का लाइट है तो कागज का टुकड़ा क्या होगा, जल जाए। एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट तक रखेंगे तो कागज का टुकड़ा क्या होगा, जल जाए। लेकिन आप क्या कीजिए, इसको हिलाते दुलाते रहिए, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, सनलाइट भी है, ये ग्लास भी है, कागज का टुकड़ा भी है, क्या वो कागज का टुकड़ा जलेगा। हम मान लीजिए एक घंटा वेट करते हैं, दो घंटा वेट करते हैं, हम पूरा दिन वेट कर लेते हैं, है ना, तो कागज का टुकड़ा नहीं जलेगा। ये आपका क्या है, ये आपका मन है। यदि मन को आप केंद्रित रखते हैं तो क्या होता है, ये आपका टारगेट है। टारगेट मतलब जैसे मान लीजिए आपको जेपीएससी निकालना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, नेता बनना है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ये टारगेट है। ऐसा अचीव कब होगा, जब आपका मन क्या होगा, ये सूर्य क्या है, सूर्य आपके माता पिता हैं, गुरुजन हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि आपका मन डोल रहा है तो क्या आप कोई टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी अक्सर सुभाष चंद्र बोस पर हंसते थे, वो बोलते थे ये कुछ नहीं करेगा, है ना। वो जब स्कूल जाते थे, स्कूल में उनको मन नहीं लगता था पढ़ने, पढ़ने में तेज थे लेकिन उनको मन ही नहीं लगता था, तो अक्सर पिताजी उनके हंसते थे। और सुभाष चंद्र बोस मन ही मन अपने पिताजी को कहते थे, मतलब मुंह पर नहीं कहते थे, मन ही मन कहते कि पिताजी आपको मैं जरूर एक दिन दिखाऊंगा बड़ा आदमी बनकर। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की तैयारी करने के लिए विदेश जाते थे, ठीक है, आईसीएस की तैयारी उन दिनों अंग्रेज के बच्चे करते थे, और भारत में भी जो धनाढ़ लोग थे जिनके पास ज्यादा धन था, जो ब्रिटेन जा सके, लंदन जा सके, वो सब करते थे। अंग्रेज के बच्चे 4 साल तक तैयारी करते थे, कोई पास करता था, कोई फेल करता था। सुभाष चंद्र बोस केवल 9 महीने तक तैयारी किए और आईसीएस का एग्जाम क्रैक कर गए। आईसीएस समझ रहे, आईएएस का एग्जाम आजकल के समय जो होता है, केवल 9 महीने में क्रैक कर दिए, वो पास कर गए। उसके बाद केवल पास ही नहीं किए, उस नौकरी को उन्होंने भारत माता की सेवा के लिए लात मार दी कि नौकरी हमको नहीं करना, हमको भारत माता का सेवा करना है। वो केवल ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर मेरिट है, वो आईसीएस की परीक्षा निकाल लिया 9 महीने में, अंग्रेज के बच्चों को पछाड़ करके। जब वो जा रहे थे विदेश, तो उनके जो बंदरगाह था वहां पर उनके माता पिता भाई बहन 2-4 लोग थे, लेकिन जब वो लौटे भारत, जब लौटे आईसीएस का एग्जाम निकाल करके, है ना, उसको लात मार करके, तो वहां पर लाखों का भीड़ था उनके स्वागत में। सपूत जो है आईसीएस का एग्जाम निकाल दिया। तो यदि आपका मन स्थिर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मन जो है बहुत ही शक्तिशाली है, उस मन को कंसंट्रेट करें और
माइंड कंसंट्रेट कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, सर बताए कि ध्यान करना है, योग करना है, ये करने से आंतरिक जीवन के साथ साथ बाह्य जीवन भी आपका क्या होता है, मजबूत होता है। हमारा जो बाह्य जीवन है वो आंतरिक जीवन को ही रिफ्लेक्ट करता है, जो जैसा हमारा आंतरिक जीवन है, जैसे हम सोचते हैं बस वैसा ही सफलता मिलता है, मोटा मोटी ये कह सकते हैं, इसलिए जरूरी है। अब क्या है कि हम लोग जो है यदि ध्यान करते हैं, एक और फायदा होता है, ठीक है, ध्यान करने से हमारी जो चेतना है विस्तृत होती है, चेतना विस्तृत होने से क्या होता है कि भगवान का टच उसी अनुपात में मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तो भगवान हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देते, बहुत बार तर्क होता है कि क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, है ना, बहुत लोग नहीं विश्वास करते हैं, नास्तिक होते हैं, है ना, तो क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोगों को ही दिखाई पड़े, जैसे अर्जुन को दिखाई पड़े महाभारत, है ना, और लोगों को कुछ कुछ दिखाई पड़े वो लोग, कारण कि वो जो है उनका जो इंजन था, उनका जो शरीर था वो उस लाइट था। जैसे मान लीजिए वाष्प इंजन जब था, वाष्प इंजन समझ रहे, रेलगाड़ी पहले कोयला से चलता था, वाष्प इंजन था, कोयला से रेलगाड़ी चलता था, उसका इफिशियंसी जो था, उसका दक्षता बहुत कम था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, डीजल इंजन आया, तो डीजल इंजन जब आया तो उसका इफिशियंसी बढ़ गया, तो इंजन भी तो चेंज करना पड़ा। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन आया तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा, तो उसका एफिशिएंसी और क्या हो गया, बढ़ गया, दक्षता बढ़ गई। तो यदि हमें भगवान का सानिध्य चाहिए, भगवान का टच चाहिए, तो हमारा अपना जो इंजन है उस इंजन को क्या करना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा। तो बदलेगा कैसे, वो बदलेगा योग से और ध्यान से। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो है अपने आंतरिक जीवन को सुदृढ़ करें, और बाह्य जीवन अपने आप जो है सुदृढ़ होता है, आप सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप जो कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, बहुत जल्द जो है आप सफल हो जाएं। और रुपेश जी भी इस बार JPSC का अपना क्वालिफाई करें अच्छे से। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी निरोग रहें, सफल हों। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।